डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास नाइन्थ के लिए सब्जेक्ट साइंस को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है, नाइन्थ क्लास में हम लोग साइंस में द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ को पढ़ रहे थे। इसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ों को पढ़े। हालांकि पिछले क्लास में हम लोग जो पढ़ रहे थे वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ा था, जिसके दो टाइप्स होते हैं। उसमें हम लोग कुछ पॉइंट्स को किए थे और कुछ पॉइंट्स छूटा हुआ था। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में के आगे जो टॉपिक्स को हम लोग पढ़ रहे थे उसका एक पॉइंट छूट गया था। उस पॉइंट्स को लिख दीजिए, लिखना है द मेम्ब्रेन ऑफ द रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी जिसको RER बोलते हैं, ऑफ द RER फॉर्म्स लार्ज डबल मेम्ब्रेन सीट्स दैट आर लोकेटेड नियर द आउटर लेयर ऑफ द न्यूक्लियर इन्वेलप न्यूक्लियर इन्वेलप। देखिए इसमें पॉइंट्स में क्या लिखे हैं। जैसा कि RER का मतलब क्या जानते हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये रेटिकुलम जो है ये लार्ज मेम्ब्रेन लार्ज में पाया जाता है, यानी कि बहुत सारी मात्राओं में पाया जाता है, जिसको हम लोग डबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। मेम्ब्रेन का मतलब एक पतला झिल्ली, और इसी झिल्ली पे एक और डबल मेम्ब्रेन हो गया, तब हम इसको बोलते हैं RER, यानी कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि ये लार्ज नंबर में डबल मेम्ब्रेन की तरह होता है, जो कहाँ होता है, तो आउटर लेयर न्यूक्लियर एनवेलप, यानी कि बाहर की ओर ये लोकेटेड होता है, कोई भी सेल के बाहर की ओर ये मौजूद होता है। ठीक है, तो एक पॉइंट्स बचा हुआ था, इसको हम लोग कर लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे गॉल्जी अपरेटस के बारे में। अब गॉल्जी अपरेटस क्या है, इसके बारे में हम लोग एरो देंगे। लिखा जाए द गॉल्जी अपरेटस फर्स्ट डिस्क्राइब्ड का मतलब खोजना ढूंढना, बाय कैमिलो गॉल्जी। यानी इसमें हम लोग क्या लिखें कि जो गॉल्जी अपरेटस का डिस्क्राइब्ड किया गया, खोज किया गया, रिसर्च किया गया, वो किसके द्वारा, वैज्ञानिक का नाम है कैमिलो गॉल्जी। तो याद रखिएगा कि जो गॉल्जी अपरेटस है वो कैमिलो गॉल्जी के द्वारा खोजा गया। कैमिलो गॉल्जी एक रिसर्चर का, वैज्ञानिक का नाम है, अपने ही नाम पे ये नाम रख दिया गया, गॉल्जी अपरेटस। ठीक है, तो गॉल्जी अपरेटस का खोज किसने किया, कैमिलो गॉल्जी ने। ठीक है, अब ये कैमिलो गॉल्जी ने डिस्क्राइब किया गॉल्जी अपरेटस को। अब ये गॉल्जी अपरेटस के बारे में फिर से एक एरो देंगे, लिखेंगे अरेंज्ड ऑर्गेनेल्स नहीं अरेंज्ड
अरेंज्ड अरेंज्ड अप्रोक्सीमेटली पैरेलल, अप्रोक्सीमेटली अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर. इन अ स्टोक्स, इन अ स्टोक्स कॉल्ड सिस्टम, कॉल्ड सिस्टम. देखिए सबसे पहला बात कि गॉल्जी अपरेटस के बारे में हम लोग फर्स्ट पॉइंट लिखें कि गॉल्जी अपरेटस किसके द्वारा डिस्क्राइब्ड किया गया. राइट आंसर इज कैमिलो गॉल्जी. अब गॉल्जी अपरेटस किसको कंसिस्ट करता है, तो ये मेम्ब्रेन के सिस्टम को कंसिस्ट करता है जो घेरे हुए रहते हैं अप्रोक्सीमेटली रूप से पैरेलल होते हैं एक दूसरे के, यानी वैसा सेल जो एक दूसरे के बिल्कुल एकदम पैरेलल तरीके से जुड़े होते हैं, पैरेलल तरीके से जुड़े होते हैं. और ये पैरेलल तरीके के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन का वेसल्स होता है जिसे हम लोग सिस्टम कहते हैं, इज कॉल्ड सिस्टम. ठीक है, यानी कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल होता है, पैरेलल टू ईच अदर. ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं, लाइसोसोम. लाइसोसोम्स दैट इज अ वीवीआई पॉइंट. लाइसोसोम के बारे में पूछता है एग्जाम में कि लाइसोसोम क्या है, और इसको हम लोग पता है ना सुसाइड बैग के नाम से भी बोला जाता है. ठीक है, सुसाइड बैग किसको कहा जाता है, किस ऑर्गेनिज्म को, लाइसोसोम. तो सब चीज जानेंगे हम लोग. लिखा जाए फर्स्ट एरो, लाइसोसोम आर मेम्ब्रेन, लाइसोसोम आर मेम्ब्रेन बाउंड, बाउंड सैक्स, सी एस एस सी एस सैक्स, फिल्ड विथ, फिल्ड विथ डाइजेस्टिव एंजाइम. डाइजेस्टिव मतलब पचाने वाले एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम कॉमा, दीज एंजाइम आर, दीज एंजाइम आर मेडअप ऑफ, मेडअप ऑफ आर ई आर, आर ई आर. चलिए हम लोग क्या लिखें कि लाइसोसोम क्या है, तो लाइसोसोम एक मेम्ब्रेन है जो सेक्स, सेक्स का मतलब होता है सेक्स फील्ड है, मतलब कि जहाँ पे खाली जगह होते हैं. ठीक है, जहाँ पे खाली जगह होते हैं वही एंजाइम को क्या करता है, एंजाइम के रूप में कार्यशील करता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए, मतलब पचाने के लिए. ठीक है, यानी कि हम लोग जो भी कुछ खाते हैं तो टाइम टू टाइम क्या होता है, जो खाया गया भोजन है धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है, पचता है, मतलब कि वो धीरे धीरे काम क्या कर रहा है, डाइजेस्ट होने का. और यही एंजाइम जो डाइजेस्ट करने में मदद कर रहा है वो आर ई आर का बना होता है, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बना हुआ होता है. और यही आर ई आर का यूज करके हम लोगों को लाइसोसोम का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि ये लाइसोसोम जो है एक मेम्ब्रेन है जो सेक्स फील्ड डाइजेस्ट एंजाइम को डाइजेस्ट करने में हेल्पफुल करता है, और ये एंजाइम आर ई आर के द्वारा बनाया जाता है. नेक्स्ट एरो देखेंगे, लिखेंगे व्हेन द सेल गेट्स डैमेज, व्हेन द सेल गेट्स डैमेज. डैमेज क्या स्पेलिंग, डी ए आई एम ए जी ई डी, डैमेज्ड कॉमा लाइसोसोम मे बर्स्ट, लाइसोसोम मे बर्स्ट. बर्स्ट का मतलब होता है जल जाना या उड़ जाना, कैसे बल्ब खराब हो जाता है, फ्यूज हो जाता है तो बोलते हैं बल्ब उड़ा दिया, वैसे ही बर्स्ट. एंड द एंजाइम्स डाइजेस्ट देयर
सेल देयरफॉर देयरफॉर लाइसोसोम आर आल्सो नोन एज देयरफॉर लाइसोसोम आर आल्सो नोन एज सुसाइड बैग ऑफ अ सेल सुसाइड बैग ऑफ अ सेल। देखिए सुसाइड बैग का मतलब होता है आत्महत्या की थैली, अंग्रेजी हिंदी में बोलते हैं आत्महत्या की थैली। कोई सुसाइड करता है ना, वैसे ही वह सेल जो डैमेज्ड हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, ठीक है, तो लाइसोसोम क्या कर देता है, उस एंजाइम को पचा लेता है, डाइजेस्ट कर लेता है, ठीक है, बर्स्ट कर लेता है, मतलब अपने में मिला लेता है, जला देता है, ब्लास्ट कर देता है। तो इसलिए हम लोग इस सेल को सुसाइड बैग भी कहते हैं, ठीक है। मतलब कि कोई भी सेल अगर मर गया, डेथ हो गया या फिर डैमेज हो गया, तो उस सेल को खुद डाइजेस्ट कर लेता है, पचा लेता है भोजन के तौर पे, उसी को हम लोग बोलते हैं सुसाइड बैग, यानी कि लाइसोसोम को याद रखिएगा सुसाइड बैग के नाम से भी जाना जाता है, सुसाइड बैग याद रखिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ठीक है। अच्छा उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देंगे माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया 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 के बारे में लिखेंगे। फर्स्ट एरो देकर लिखा जाए माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, द पावर हाउस ऑफ द सेल, द पावर हाउस ऑफ द सेल। देखिए बोला गया कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर हाउस, पावर हाउस यानी कि शक्तियों का घर है ये, यानी कि सेल का सुसाइड बैग लाइसोसोम, सेल का पावर हाउस यानी कि वहाँ पे हमेशा पावर, हाउस मतलब घर और पावर मतलब शक्ति, यानी ऐसा हाउस जो पावरफुल हो, उसमें पावर ही पावर हो, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया, याद रहेगा। यानी माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, तो सेल का पावर हाउस है, ठीक है। अब नेक्स्ट एरो देंगे, लिखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया हैव टू मेम्ब्रेन कवरिंग, माइटोकॉन्ड्रिया हैव टू मेम्ब्रेन कवरिंग, टू मेम्ब्रेन कवरिंग, कवरिंग का मतलब घिरा होना। हम यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं कितने मेम्ब्रेन से घिरे हुए रहते हैं, तो दो मेम्ब्रेन, दो झिल्लियों से कवरिंग किया हुआ रहता है, जिसको हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। यानी माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी कहते हैं और ये टू मेम्ब्रेन से कवरिंग किया हुआ रहता है। फिलहाल नेक्स्ट एरो देंगे, लिखा जाए द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज, फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटी नीडेड फॉर लाइफ इज रिलीज्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ ए टी पी। देखिए अब दूसरा पॉइंट्स क्या लिखें, सबसे पहला बात तो हम लोग ये लिखें कि माइटोकॉन्ड्रिया में दो मेम्ब्रेन से कवरिंग किया हुआ रहता है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस कहते हैं, सेल का पावर हाउस किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, और ये कितने मेम्ब्रेन से झिले हुए रहते हैं, तो टू मेम्ब्रेन। अच्छा फिर क्या लिखें कि द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द वेरियस केमिकल एक्टिविटी, यानी कि अगर केमिकल रिएक्शन करने के लिए, जैसा कि आप जानते हैं थोड़ा सा पेड़ पौधों के बारे में आप जान लीजिए कि जैसे ही वो सन से सनलाइट लेते हैं तो वो क्या क्रिएट करते हैं, तो वो क्रिएट करते हैं अपने अंदर की भोजन यानी कि एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज ड्यू टू किसके कारण, केमिकल एक्टिविटीज के कारण, केमिकल रिएक्शन होता है, वैसे ही वैसा एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, उत्पन्न होता है किसके वजह से, तो केमिकल एक्टिविटी के वजह से किसी भी लाइफ के लिए। इसीलिए अच्छा जो केमिकल रिएक्शन से या केमिकल इक्वेशन से
जो एनर्जी रिलीज हुआ उसको हम लोग बोलते हैं एटीपी के फॉर्म में वो रिलीज हो रहा है, ठीक है, वो एटीपी के फॉर्म में रिलीज हो रहा है। यानी कि कोई भी एनर्जी जब रिलीज होती है केमिकल इक्वेशन के द्वारा, तो वो किस रूप में रिलीज होती है, एटीपी के रूप में। जरा अब आइए हम लोग देखते हैं कि एटीपी क्या है, तो उसके नीचे रो देंगे लिखेंगे फुल फॉर्म ऑफ एटीपी इज एडीनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडीनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ट्राई फॉस्फेट फॉस्फेट, ठीक है। तो एटीपी का फुल फॉर्म क्या है, एडीनोसिन ट्राई फॉस्फेट। चलिए तो ये था एटीपी का फुल फॉर्म, ये भी आप बीवीआई कर लीजिएगा पॉइंट, क्योंकि हर कोई पूछ सकता है कि आखिर एटीपी का फुल फॉर्म क्या है, तो एडीनोसिन ट्राई फॉस्फेट। फिर लिखेंगे नेक्स्ट एरो, एटीपी इज नोन एज द एनर्जी, एटीपी इज नोन एज द एनर्जी कॉमा करेंसी ऑफ द सेल, करेंसी ऑफ द सेल, करेंसी, करेंसी का मतलब होता है पैसा, यानी कि धनों का सेल कौन है, एटीपी। यानी एटीपी को किस नाम से जाना जाता है, करेंसी ऑफ द सेल, जैसे कि पावर हाउस ऑफ द सेल ये माइटोकॉन्ड्रिया और सुसाइड बैग ऑफ सेल लाइसोसोम, वैसे ही याद रखिएगा करेंसी ऑफ द सेल एटीपी, ठीक है। अच्छा अब हम ये भी लिखे हैं कि एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, जो कि ये भी इम्पोर्टेंट है, वीवीआई है। और ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग जैसे कि पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, लाइसोसोम को सुसाइड बैग कहते हैं, वैसे ही एटीपी को किस नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा करेंसी ऑफ द सेल। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया आर स्ट्रेंज ऑर्गेनेल्स इन द सेंस, ऑर्गेनेल्स इन द सेंस दैट दे हैव देयर, दैट दे हैव देयर ऑन डीएनए एंड राइबोसोम, देयर ऑन डीएनए एंड राइबोसोम। क्या बोला सवाल में, कि एटीपी को और किस नाम से जानते हैं हम लोग, तो करेंसी ऑफ सेल, ये तो समझ गए। फिर क्या लिखे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो स्ट्रेंज है, रेंज है, वो किससे डिफाइन किया जाता है, तो उसमें पाया जाने वाला डीएनए और राइजोसोम के वजह से उसमें डिसाइड किया जाता है कि उसकी मात्रा या फिर उसकी एनर्जी कितनी है, ठीक है। तो किसका किसका मेजर किया जाता है, तो आप देख पा रहे होंगे डीएनए एंड राइबोसोम, अभी भी बोले डीएनए एंड राइबोसोम। तो इस तरीके से हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के पॉइंट थे। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं प्लास्टाइड्स या प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स। अब प्लास्टिड्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या होता है प्लास्टिड्स। तो प्लास्टाइड्स, प्लास्टाइड्स में फर्स्ट एरो देंगे, लिखा जाए प्लास्टाइड्स क्या है, लिखा जाए प्लास्टाइड्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, प्लास्टाइड्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। यानी कि जो प्लास्टाइड्स है ये हमेशा कहाँ प्रेजेंट रहता है, हमेशा प्लांट में मौजूद रहता है। ये प्लांट सेल में पाया जाने वाला एक ऑर्गेनिज्म है जिसको प्लास्टाइड्स बोलते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर हम ये बोलना चाह रहे हैं कि प्लास्टाइड्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, यानी कि प्लांट सेल में पाया जाने वाला एक ऐसा सिर्फ और सिर्फ प्लास्टाइड्स ही है जो प्लांट सेल में प्रेजेंट रहता है। अच्छा उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो प्लास्टाइड्स
कितने टाइप्स का होता है? तो ये दो टाइप्स का होता है, तो लिखेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ, देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लस्टाइड्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लस्टाइड्स, पहला क्रोमोप्लास्ट, दूसरा ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, यानी कि प्लास्टाइड्स हमेशा कहाँ पाया जाने वाला है? प्लांट सेल में पाया जाता है। और ये प्लास्टाइड्स दो टाइप्स का होता है, एक का नाम क्रोमोप्लास्ट है, दूसरा का ल्यूकोप्लास्ट है। ठीक है, अब क्रोमोप्लास्ट किस तरह पाया जाता है? तो ये कलर्ड होता है, CLOURED, ये कलर्ड में होता है, इसका कुछ ना कुछ कलर रहता है। लेकिन ल्यूकोप्लास्ट जो है कलरलेस है। तो अगर कोई पूछेगा कि प्लांट सेल का प्लास्टाइड्स का कौन सा टाइप कलर्ड होता है क्रोमोप्लास्ट, और कौन सा टाइप्स कलरलेस होता है यानी कि कोई कलर नहीं होता है, तो दैट इज ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप देंगे, लिखेंगे क्रोमोप्लास्ट कंटेनिंग द पिगमेंट क्लोरोफिल आर नोन एज क्लोरोप्लास्ट। यानी कि मेरा कहने का मतलब कि क्रोमोप्लास्ट जो है किसको कंटेन रखता है? तो क्लोरोफिल। और आपको पता होना चाहिए ना कि पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती है, प्लांट के जो लीफ होते हैं, वो हरे कलर किसके कारण होते हैं? वो क्लोरोफिल के कारण। और क्लोरोफिल को कौन कंटेन करता है? तो क्रोमोप्लास्ट। यानी कि क्रोमोप्लास्ट काम करता है क्लोरोफिल को। ठीक है, अच्छा फिर नेक्स्ट आरो देंगे, लिखेंगे क्लोरोप्लास्ट आर इम्पोर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। तो बोला जाए कि क्लोरोप्लास्ट जो है एक इम्पोर्टेंट रोल्स है फोटोसिंथेसिस के लिए जो प्लांट में होता है। ठीक है, यानी कि क्लोरोप्लास्ट आर इम्पोर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। यानी कि प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया होती है वो क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही होती है। अब लिखेंगे नेक्स्ट एरो, ल्यूकोप्लास्ट आर प्राइमरली ल्यूकोप्लास्ट आर प्राइमरली प्राइमरली ऑर्गेनेल्स इन विच मटेरियल सच एज स्टार्च कॉमा ऑयल्स एंड प्रोटीन ग्रेनल्स आर स्टोर्ड। देखिए इसका मतलब ये हुआ ना कि ल्यूकोप्लास्ट किसके लिए, जैसे क्रोमोप्लास्ट के बारे में पढ़े ना, तो वैसे ही ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या है? तो ये प्राइमरली ऑर्गेनल्स है, यानी कि प्राइमरी ऑर्गेन्स है किसी भी प्लांट सेल में, कौन? ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, विच मटेरियल सच एज स्टार्च ऑयल्स एंड प्रोटीन्स ग्रेनल्स आर स्टोर्ड। अच्छा,
यानी कि कौन कौन सा मटेरियल प्रो यहाँ पे कंटेंट रहता है, यानी कि बोल सकते हैं स्टोर करता है, यानी ल्यूकोप्लास्ट जो है किसी भी पेड़ पौधों में, प्लांट्स में पाए जाने वाला स्टार्च को, ऑयल्स को, प्रोटीन को, जैसे हम लोग के लिए कैसे ज़रूरी है प्रोटीन वगैरह, फैट वगैरह, वैसे ही प्लांट के लिए भी ज़रूरी है ल्यूकोप्लास्ट, प्लांट के लिए भी ज़रूरी है प्रोटीन्स, स्टार्च। तो ये सब कहाँ स्टोर रहता है, सेव कर रहता है, तो प्लांट के ल्यूकोप्लास्ट ही काम करता है स्टोर करने के लिए। ठीक है, फिर लिखेंगे नेक्स्ट एरो, माइटोकॉन्ड्रिया कॉमा प्लेस्टाइड्स आल्सो हैव देयर, माइटोकॉन्ड्रिया कॉमा प्लेस्टाइड्स आल्सो हैव देयर आउन डीएनए एंड राइबोसोम, आउन डीएनए एंड राइबोसोम। पता होना चाहिए कि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लेस्टाइड्स जो है वो डीएनए एंड राइबोसोम का ही एक रूप है, जो ये अपने पेरेंट्स से पूरे मतलब वंश से बोल सकते हैं इनहेरिटेंस का एक रूप होता है, जो हमेशा ट्रांसफर होता है पेरेंट्स बॉडी से। ठीक है, जैसे एक पेड़ में पाया जाता है सब कुछ, तो अब जब दूसरा पौधा का जन्म होगा तो उसमें भी ल्यूकोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट की क्रिया होना एकदम तय है, क्योंकि ये भी एक डीएनए और राइबोसोम के जैसा ही है, जो आने वाले पेड़ पौधों में भी यह क्रिया हो सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से आज हम लोगों ने प्लेस्टाइड्स तक के पढ़ा है। तो आज की क्लास को यहीं तक एंड करते हैं और फिर अगले क्लास में पढ़ते हैं। धन्यवाद।